द्वंग भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे सुतेक्षित पतन न न तो कंस जद याद धियात उरगाय अभिभावयति ततदव पूपनयसे सदनु ग्राहयो सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर व बाजिन बताएं अपराकित जगत का साथ साक्षात्कार होने का एक ही रास्ता खुला है दूसरा कोई रास्ता नहीं है वो है अपराकित शब्द ब्रह्मों का सहारा ले लेना शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा जी ने बताए अपराकित तो जगत का साथ करने का एक व्यवस्था है वह एक ओरल रिसिप्शन जब कोई बच्चा पैदा होता है ध्यान से देखना एक ही साथ पैदा होने का साथ साथ उसका सारे सेंस ऑर्गन जो है आंखें त्वचा जितना सारे है ये इंस्टेंट एक्शन में नहीं आता जन्म होने का साथ साथ ये जो कान है सबसे पहले खोलता है आप परीक्षा करना चाहो जितना भी छोटे बच्चे हैं तोरा साउंड कर देना तो साउंड का और ऐसा ऐसा देखते रहेगा कहाँ से वो साउंड आ रहा है ये व्यवस्था ठाकुर जी का ही है इट्स अ नाइस अरेंजमेंट बद्ध अजीब बद्ध अजीब जितना सारे सेंस ऑर्गन है बुद्धि है ताकत है मैन पावर मनी पावर सारे बाजी लगाने देने का बाद भी जो वस्तु मिलता नहीं है मिलना संभव नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता खुला है अपना अभिमान को छोड़कर गुरु वैष्णव का चरण में शरण लेना और दूसरा रास्ता है नहीं हमने पहले भी बहुत शिक्षित समाज भी ये बात को खुला पोपा जी का ही विचार है जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द दुलट ट्रूथ अपराग जगत में जो विषय है अपरागिक जगत का इसको जानने के लिए आपका जितना सारे तागड़ा बुद्धि है विवेक है जो कुछ भी है जो कुछ भी पावर है फाइनेंशियल पावर मैन पावर मानी सब कुछ एक साथ बाजी लगाने का बाद भी जो तत्वों को किसी भी हालत से आप जान नहीं पाओगे उसी तत्वों को जानने के लिए एक ही रास्ता खुला है तो सारे अभिमान को छोड़कर इस तत्वों को तत्वों का चरण में गिर जाओ अर्थात गुरु वैष्णव का चरण में गिर जाओ उपनिषद में भी आता है आप लोग बहुत बार सुने हो बहुत हर वगत चर्चा होते रहे नाया मात्मा प्रवचन न लभ्य न मिधाया न बहु न सब सुनते रहते हो विचार ये आता है जो भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो व्यक्ति का इच्छा है गुरु विष्णु का चरण में ही शरण होना चाहिए दोज हु आर रियलाइज्ड सोल प्रभुपाद बार-बार बोलते थे शिक्षित समाज में इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोल्यूट गुड देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉइसेस ऑफ पॉपुलर विजडम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज्ड सोल बाजार में किसी भी जगह जाए संतों का वेश बनाया हुआ हमारा माफी इनके शरण में जाओ तो सुविधा होगा कि नहीं हुआ ये बाद में पता चलेगा हमारा जिंदगी में ऐसा हुआ था परम सत्य वस्तु को जानने के लिए बड़ा इच्छा हुआ हो सके कि पूर्व जन्म में भी गुरु जी हमको कीपा की इसीलिए ये भावना पैदा हुआ बड़ा इच्छा हुआ कैसे एब्सुल्यूट और अपराकृत सत्य को सत्व तो का विषय हमको हम जानकारी मिले संसार की जो भौतिक वस्तु है इन सब वस्तुओं में मेरा लगन था ये सब वस्तुओं में जो वस्तु प्राप्त करने का बाद हमारा सोशल पोजीशन रैंक हमारा ये समाज में हमारा पोजीशन रैंक बढ़ते चलेगा क्योंकि भौतिक वस्तु जिसका पास है उसका ही सम्मान मिलता है समाज में संतो महात्मा का तो पहचान नहीं है खूब कम है नहीं है बोलने से भी होगा नहीं है संत महात्मा है किसी ने अगर जिद कर कर बोल दिया दुनिया में आप संत महात्मा नहीं है सारे चीटर है देन दे वुड बी पनिस्ड है अगर ये शब्दों को उच्चारण किया तो उनका लिए बड़ा भारी पनिशमेंट वेट करता है क्यों ऐसा क्यों बोल रहे बोलो आओ महात्मा जी जिनको आप बोलते हो ये अटेंशन फेस जिनको आप बोलते हो जगन्नाथ बोलते हो जिनका नाम जगन्नाथ है पर अखिलेश्वर जगन्नाथ है जगन्नाथ मतलब अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है जिसको ब्रह्मांड ब्रह्म में बताया सब जानते हैं बच्चा लोग भी हमारा गोरिया मटके ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारण कॉज एंड इफेक्ट ये साइंस का एक बेसिक विषय है ये कॉज एंड इफेक्ट का ऊपर बेस करके तमाम रिसर्च जो है वैज्ञानिक समाज में होते रहते कोई भी वस्तु का एब्स्ट्रैक्ट उसका प्रॉपर्टी रहता है धर्म रहता है जितना सारे जीवात्मा इधर है इनका भी एक एक अवस्था में एक एक अवस्था जो आता है उसमें एक एक किस्म का व्यवहार एक एक किस्म का उसका फिजिकल अपियरेंस सब कुछ देखा देता लेकिन तमाम शास्त्रों को विचार करें तो देखा जाए जे तमाम दुनिया का एक ही धर्म है वन एंड सिंगल दूसरा कोई धर्म नहीं है उसका नाम ही है भगवत धर्म आत्म वैष्णव धर्म, धर्मो विष्णु चरण का आराधना करना जब गो वही विष्णु बहुत सारे कर्मकांडी जो आप करते हैं आदमी लोग समाज में वो लोग भी बोलते हैं सब करने का वस््राद दो आदि जब कर्मकांडो कर्म कर्म। करने का बाद लास्ट फिनिशिंग क्या देते शुरुआत में भी बोलते हैं ओम माधव माधव वाची माधव माधव माधो स्मरण कार्य बोलते हैं स्टिल दे कैन नॉट बिलीव द सुप्रीम इज वन सिंगल बड़ा माया का जादू है और कर्मकांड में सारे कर्मकांड करने का बाद भी क्या बोलते हैं ओम प्रियताम पंडरिकाक्षम सर्वो योग्य स्वरोहरी बोलते हो ना लास्ट से क्या बोलते हो तीन जगत आपका संतुष्टि में जगत संतुष्ट हो जाए ये कोई बनावटी बात नहीं बहुत बार चर्चा हो चुका है भागवत में भी है नारद जी बोलते है यथातरोमोलिस न तिपंती तत्कंद प्राणोपहार यथेन्द्र यानी तथे सर्व अर्णनम अच्छुत एकमात्र भगवान अचुत हो कृष्ण का भजन करो तो उसमें सारे देवदेवता का अर्चन हो ही जाता है इसका प्रमाण भी हम आपका उधर भी बोला प्रमाण हरि हरि वो सदाराध्यो सर्व स्वरे स्वरो ब्रह्म ब्रह्मि देवा ना गया कदाचन आपको ये नहीं हम बोला कि ब्रह्मा जी शंकर जी को अपमान करो ना लेकिन एक बात तो आराधना का वस्तु तो शंकर भगवान खुद ही बताए आराधना नम विष्णु आराधना नम परम परतरम देवी तदयानम समर्चनम भगवान विष्णु कृष्ण का बारे में शंकर जी स्वयं बताए देवी जी को बोले देवी आराधना में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु आराधना अब विष्णु बोलने का साथ साथ आप सोचोगे कृष्ण तो नहीं बोला यह तो आपका बायसनेस है विष्णु बोल दिया क्यों भले ऐसा नहीं भागवत में जो अब दशम स्कंध में रासलीला का प्रसंग वहीं ही आता है क्या है विक्रितम्ब जोधं च विष्णु यह विष्णु जो शब्द यूज हुआ है ये व्यापक अर्थ में भगवान जो जितना गोपियां हैं उतना अपना स्वरूप को प्रकट किए स्वयं रूप भगवान कृष्ण ऐसा प्रकट किए ये उसमा उसमें जो वैभव प्रकट हुआ उसको थोड़ा इंगित देने के लिए विक्रीतम बद फिर दंच विष्णु श्रद्धान्विता मनो श्रेणुमद अथ पर भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमा सुपहिनाती अचिरे न धीरा इसमें विष्णु शब्द आया तो शंकर भगवान जो है भगवान परमेश्वर कौन है एकमात्र कृष्ण ईश्वर बहु क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के रखा है वाटर डिपार्टमेंट किसको दिया है वरुण देव को इंद्रदेव को सर्गो को देखवाली के दिए दिया है अग्निदेव को अग्नि का ये तीसरा स्कंद में भी चौथा स्कंद में बताया तीसरा स्कंद में देवावती और एं? उसमें भी बताया मद भयाद वाती सूर्यस्तपति मद भयात है मृत्युश्चरती मद भयाद ये सब बात बोला मृत्यु हमारा डर से वायु पवन दे बहती जा रहे हैं सूर्य ताप दे रहे है सब कुछ हो रहा है सिस्टमेटिक वे लेकिन इंटेलिजेंट पीपल जो दावी करता है बिहाइंड एवरी थिंग जबकि आइंसटाइन को समझ में आया आइंस्टाइन बोले आई वॉन्ट टू नो गॉड थॉट ईश्वर का जो भावना है हम जानना चाहते हैं न्यूटन भी बताए बड़े बड़े जितना सारे कैंट जर्मन जो दार्शनिक कैंट है वो बोले महाराज जब हम रात का टाइम में आसमान का ऊपर देखता हूँ मैं डर जाता हूँ जी इन्फिनी ब्रह्मांड चांद सितारे इसका ये हमारा जो पोजीशन है जिस जस्ट इसको एटम बोले कि क्या बोले वो भी नहीं बोल सकता मैंने की, क्यों क्यों ये क्योंकि कंपेरेटिव क्यों स्टेटमेंट हो जाए तो इन्फिनी ब्रह्मांडों का तुलना में, में मेरा साइज क्या है मेरा पावर क्या है हिमालय के सामने जाके खड़ा हो जाओ तो आपका हिम्मत पता चलेगा हिमालय का जो एक करके धौस गिरे तो पता चलेगा कितना पावर है तब लगेगा हम बच्चा है कुछ नहीं है ठाकुर जी बचा लो इसी अवस्था में शरणागत तो छोड़कर और दूसरा कोई रास्ता है नहीं देश नो आदर वे तमाम दुनिया के बीच तो होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं लेकिन भगवत प्राप्ति का विषय में चैलेंजिंग मू, चैलेंजिंग मूड नहीं चलता है ब्रह्मा जी भी रो रो के बताया गैने प्रयास मुदपस् नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्तम स्थानिस्तता स्तिगताम तनोबांग तो मनोभीर ये प्रयासो अजितोपि जी तो होशी त्व ब्रह्मा जी चार मुंड उसका चार माथा है आपका एक माथा है अब ब्रह्मा जी टैलेंटेड है जिसको ऑलरेडी पावर दिया हुआ है कौन भगवान चतुश्लोकी में ज्ञानम परम गुंग यद विज्ञान समन्वित सरहस गृहानो गोदितं मैं आई एम टेलिंग यू कैन एक्सेप्ट ये तो श्रोतपन था श्रोतपन किसको बोलता है फिर उसका बोले जबान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्मक तथा विज्ञानम ओस्तु ते मद अनुगृहात्म हमारा कोरोना हमारा मर्सी तुम्हारा ऊपर हो रहा है हम कर दिया बस ये दिव्य ज्ञान को तुम प्राप्त कर लो अपना चैलेंजिंग मूड लेके अपरा की जगत में आप जाना शुरू कर दो उसमें इतना फीडबैक मिलेगा इतना लाभ मिलेगा तो उपनिषद में इसका बारे में बताया ना यतो वाचो निवर्तन्ते तंत मनुषा सहो लिए बताया जितना सारे आपका मेंटल पावर है जितना आइडिया है सब वो की जगत में जाना शुरू कर एक लाख मिलेगा फिर यू कैन कम बैको को सही बात तो में खुल्ला में खुल्ला बता दिया का जो वस्तु क्या है, जो क्या? जो का है? जो जो आपका इंद्रिय के द्वारा यू कैन एंजॉय त्वचा के द्वारा स्पर्श कर सकते हो आंखी को देख सकते हो अर्थात जितना सारे आपका एस्टिमेशन है लगा सकते हो ये दुनियादारी का वस्तु लेकिन आप भी ना सो जाओगे कोई भी वस्तु ऐसा कोई वस्तु दिखाओ जिसका वैज्ञानिक लोग रहे बोया दियर इज नो चेंजेस गोइंग ऑन हमारा शरीर में भी चेंज हो रहा है मेटा चेंज हो रहा है हमको समझ में नहीं आया हजारों हजारों हमारा टिश्यू बॉडी का सारे यूजलेस होते जा रहा है नया बिल्डअप हो रहा है अगर नहीं हो तो उसका बीमारी हो जाएगा कैंसर ब्लड कैंसर तो होते रहता है लेकिन ये सब चेंजेस जो है आपका नजर में नहीं आ रहा है बात ये है जहां ब्रह्मा जी चार माथा लेकर इतना स्पेशल बुद्धि लेकर कामयाब नहीं हुए अचरण में शरणागत हो गए औ स्थानी तो स्वतिक मनो भी इसका व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती चौकपति बताए मतलब साधु स्थित हम चाहते हैं कि गुरु वैष्णव के सामने रह जाए क्यों क्या फायदा होगा भले इसमें फायदा होगा कि कंटिन्यूस आई कैन हैव द चांस टू हियर हरि कीर्तन हरि कथा ये तो सबसे बड़ा फायदा है वित्ता से लेकर जितना सारे देखो हैं मम उत्तम श्लोक जनीष सक्षम विदे सब बोलते रहे तमाम भागवत तमाम शास्त्रों का विचार करो सब एक ही है उसमें बोल रहे सारे तमाम पहुंचा हुआ व्यक्ति वो चाहते कि सत्संग ठाकुर जी सत्संग सत्संग दो हमको सत्संग क्या करोगे ठाकुर जी आगे खड़ा जाए खड़ा हो जाए फिर भी वो बोलते सत्संग का महिमा और ज्यादा है क्यों बड़े ठाकुर जी तो अपना गुनागान नहीं करेंगे ठाकुर जी का जो ट्रांसेंडेंटल अपराकित गुनावली तो वैष्णव लोग करेंगे कौन करेंगे ठाकुर जी का गुनावली कौन करेंगे और ठाकुर जी का पास जाने का तो डायरेक्ट कोई रास्ता है नहीं आप अगर बोले कि हम ठाकुर जी के पास डायरेक्ट चले जाएंगे कोई गुरु गुरुपुरह दरकार नहीं है वैष्णव क्या दरकार है बेकार खमा खा तो होगा नहीं ब्रह्मा जी बोले अपना जो प्रयास है प्रचेष्टा है ज्ञानी प्रयास हमारा बुद्धि के द्वारा जान ले गए तत्व को उसको हम क्या करते हैं इसको उठा के दूर में उदोपाश्व हमारा सेल्फ एफर्ट पर्सनल एफर्ट्स फ्यूटाइल एफर्ट्स हमने उठाकर जंजाल जैसे फेंकते हैं उसे फेंक उसको दूर फेंको कोई काम का नहीं है ब्रह्माजी स्वयं बोलते हैं और शरण लिया हमको क्षमा करो जो हुआ तो हुआ हम चैलेंजिंग मूड लेके आपको जानने के लिए गया ऐसा धोखा किया कि हम जिंदगी में और कभी नहीं करेंगे इंद्र का भी ऐसा मिला इंद्र भी क्षमा अर्चना किए आप लोग सौभाग्यवान हैं, दो एक दिन पहले भी हम चर्चा कर कर चुका जे इतना अनंत ब्रह्मांड में आपका जिस ब्रह्मांड में आपका अभी स्थिति है जिस पृथ्वी में वहाँ 550 साल पहले चैतन्य तो महापो चले गए यो वो साक्षात कृष्ण वस्तु है वो चले गए आप सोचो विचार करके आपने कैलकुलेशन को बताया यू आर ऑल इंटेलिजेंट आई थिंक यू आर ऑल एजुकेटेड यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट व्हाट आई मीन टू से ये जो सत्यतःपर कली कली काल का ड्यूरेशन चार लाख बत्तीस हजार इसका डबल कर दो उसका बाद आएगा दापर ज्यूक का इसका डबल कर दो तेता उसका डबल कर दो सत्युग का नाउ यू कैन रिजल्ट एक चतुर्ग सत्यो तेता दापर को लेकर साइकिल चल रहा है ऐसा इकहत्तर सेवनटी वन टाइम्स सत्यो तेता दापर को लेकर के रोटेशन होके जाए तो एक मनु का टॉपल हो जाए एक मनु उसका जो गदी है वो छोड़ देता है एक मनु का मनंतर हो जाता है मनु भी चौदो मनु चौदो मनु अलग अलग विचार है हमारे ये विवाद मनंतर चल रहा है विवत्सन मनु अब चौदह मनु जब टपल हो जाएगा उसका कैलकुलेशन अब कर लो कंप्यूटर में शकुंतला दुबी बोल के एक, एक जीनियस लेडी अमेरिका उसका ब्रेन का ऊपर रिसर्च कर रहा है इंडिया का ऑरिजिन साउथ इंडियन जादवपुर यूनिवर्सिटी में सारे साइंटिस्ट लोग भरा हुआ है वर्ल्ड का फेमस फेमस और जो भी कैलकुलेशन बोल रहा है वो कंप्यूटर में कर रहा है उसका पहले वो मुख में बोल देते हैं साइंटिस्ट लोग जो कैलकुलेशन करके निकल गए रेजल सी स्टेलिंग बिफोर दैट कोई भी कैलकुलेशन उसका ब्रेन लेके अमेरिका अमेरिका में है अब जिंदा है कि नहीं जानते हम न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं बहुत पहले स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे थोड़ा ये सब जिन्यास आता है लेकिन भगवान को जानने के लिए ये सब जिनियास का पास जाओ तो यूजलेस दे कैन नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सुप्रीम लॉर्ड आपको जाना पड़ेगा संत महात्मा का पास वो भी साधारण नहीं जो अपना आचरण में उतारा है सब कुछ क्योंकि पब्लिक कैन पुट क्वेश्चन बिफोर मी महाराज वाट यू आर स्पीकिंग इज दैट व्हाट यू आर डूइंग हम क्या जवाब दें हम तो चोर बन जाएंगे हमको अगर पब्लिक बोले महाराज तुम तो भाषण देते हो सारे गौड़ी समाज तुमको प्यार करते हैं लेकिन आप अपना आचरण में जो बोलते हो खुद करते हो हम बोले यू कैन सी फॉलो मी हम बोले तो ये अभिमान हो जाएगा आप फॉलो करके देखो कि हम जो बोलते हैं उसको पालन करता है कि नहीं अगर ना पालन करे तो हमारा स्पीच में हरी कथा में कोई पावर नहीं होगा ये यूजलेस होगा जस्ट लाइक ए लेक्चर यूनिवर्सिटी लेक्चर but i am not a university lecturer so you cannot expect a nice piece of lecture from me also i am not a linguist you cannot express niceness language from me what you can expect from me the direct reali realization that guru Mahaj, that my guru Mahaj already have inculcated into my spirit that i can share with you if you are at all interested naidham chubrainge हम तो माला फिरते रहेंगे भजन करेंगे हमारा तो कोई डिस्टर्बेंस है नहीं कुछ चीज चाहत नहीं तो डिस्टर्बेंस का है का। लाभ पूजा प्रतिष्ठा यही तो रुकावट है भजन का और रघुनाथ दास गोस्वामी अंतिम में बोले प्रतिष्ठा साधिष्ठा सपच रमणी मेरे दीना रघुनाथ दास गोस्वामी बोलता प्रतिष्ठा सा धिष्ठा सपच जो कुत्ता बना के खाते हैं जो में उसमें जो रमणीय होता है निर्लज कोई शर्म नहीं है यह हमारा अंदर में जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा का जो उथल पथल होते हैं उठ पटंग आओ जी बैठो ये तो ऐसा ही है हमारा मंगल कैसे होगा एक संत महात्मा अगर लाभ पूजा प्रतिष्ठा का टोटली बाहर ना जाए उसका लिए भगवत प्राप्ति कदापि संभव नहीं है नॉट एट ऑल पॉसिबल कदापि संभव नहीं होगा आप बहुत सारे विचार में जाए तो समय भी परमिट नहीं करे भगवान का पास डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता है नहीं इनके एजेंट होते हैं गुरु वैष्णव भगवान भेज देते हैं जो प्रश्न उठाया था उसका उत्तर नहीं दिया कोई अगर बोले कि आज का दुनिया में कोई संत महात्मा है ही नहीं सब कमिनी कामिनी कंचन का पीछे सब ठगी है तो यू वुड बी विचार सुन लो जिसको आप जगन्नाथ बोलते हो जगन्नाथ का मतलब अनंत इन्फिनिटी ब्रह्मांड का मालिक तब ये जगन्नाथ शब्द यूज करते हो और प्रेजेंट वो जगन्नाथ इसको आप इतना कमजोर समझते हो कि ही कैन नॉट पुट एनी साधु ही इन दिस मटेरियल वर्ल्ड उसका कोई क्षमता नहीं कि एक अपना जन को साधु को जगत में भेजे और दुनिया को उद्धार करने के लिए डू यू थिंक सो तो काहे का जगन्नाथ है हमारा क्वेश्चन वो कहा का जगन्नाथ है जो दुनिया में सच्चा साधु भेज नहीं सकते तो काहे का जगन्नाथ हम तो जगन्नाथ मानेंगे नहीं तो गुरुवर्ग का विचार है महाराज ऐसा ना बोलो आपका भजन करने का इच्छा नहीं है आप भजन समझते नहीं हो अपराध की हो यू कैन गो यू कैन लूज योर कॉन्सियस बट यू कैन नॉट पास दिस काइंड ऑफ रिमार्क सुप्रीम लॉर्ड का कोई पावर नहीं है जो दुनिया में दो चार साधु को रखे जब तक चांद सितारे रहेगा धरती रहेगा तब तक, तक साधु रहेगा चाहे आपका समझ में ना आया और नहीं आया तो दूसरा बात है लेकिन साधु नहीं है ये बोल नहीं सकते हो संभव नहीं ऐसा बोलना नहीं चाहिए आज हमारा सामने जो तिथि आए हैं इनका बारे में हम बोलते चले तो हमारा हमारा जो मुंह है जवान है बड़ा छोटा है और वो महात्मा इतना ऊंचा है भगवान का निजीजन जिसका बारे में हम बड़ा बड़ा बात बोलने जाए तो हमारा सामने चैलेंज जाए आ जाएगा भगवान बोल बा तू इसका बारे में इतना बड़ा बोल रहा है कितना प्यार किया है हाउ मच डेडिकेशन यू हैव फॉर हिम कितना सेवा तूने किया है उसका लिए हाँ महाराज जी हमको बहुत प्यार करते थे उसका चिट्ठी भी है सब कुछ है भेजते थे और जिंदगी में जो बात हमको चिट्ठी में लिखे हैं जब हम सूर्य कुंड में भजन करते थे वहाँ भी निर्जन भजन आदमी बोलते थे निर्जन भजन हम कभी नहीं किए सूरजकंड बैठ के सत्संग करते थे हर भगत हरी का था उस समय में महाराज चिट्ठी में जो पूरा लिखा आज से पंद्रह सोलह साल पहले एक एक शब्दों का हम आम सोचा हमारा कुछ नहीं कॉपिन है और हमारा डंडो तो नहीं है डंडो नहीं दिया गुरु जी और कमंडल है और ऐसा करके भजन करते रहे महाराज जी ये सब चार्ट दे दिया तुमको ये करना है ये करना है ये करोगे तुम ये उचित है आशीर्वाद दिया हम कैसे संभव है महाराज कुछ नहीं है हमारा कोई अवलंबन नहीं है एकमात्र तो गुरु कृपा छोड़कर आई हैव नथिंग तो हमने देखे आगे चलकर मेरा कहू आश्चर्य है ये महापुरुष जो जो बोल के गया है उसका चिट्ठी हमारा पास है वो पेपर वो मैगजीन में भी निकाला प्रिंट होके देवानंद गोरीमठ बहुत सारे उनका जो मठ है मैंटन में बेहला साउथ कैलकाटा में महाराज मास्टर जो हो गए जो हमारा संभव नहीं है वो सारे उसका जो आशीर्वाद है बोला तुमको ये करना सारे सच निकाला अभी बाकी जिंदगी अभी भी शेष है अभी भी आगे चलना है ठाकुर जी क्या सेवा ले हमको पता नहीं लेकिन एक बात खुल्ला में खुल्ला कहना चाहूं कि किसी ऐसा मापिक महान पुरुषों का जो आविर्भाव तिरोभाव मनाने का जो साहस हमारा अंदर में आया है कैसे आया है पहला क्वेश्चन है हमारा गुरुवर्गो ने हमारा सामने चुनौती रख दिया देखो बेटा कभी आविर्भाव तिरोभाव अविर्भाव तिरोभाव अभाव लेके पालन मत करो हृदय में भरपूर अभाव है हमको पैसा चाहिए हमको डोनेशन चाहिए हमको ये चाहिए वो चाहिए तरह तरह का विचार है हमारा बट हम आए हैं आपका बुलाने से गद्दी पे बैठ के आप लोगों से ऊंचा आसन में जबकि हमारा आसन होना चाहिए था आपसे भी नीचे लेकिन बैठा दिया क्या करे पहुपात का विचार है कब भी कोई भजन करने वाला आदमी को ऊंचा आसन में बैठा जाए वो दिल से कभी भी सोचता नहीं मैं ऊंचा आसन में बैठा वो सोचते हैं कि हम तो हमारा हरिका था हमारा हरि कीर्तन हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है हमारा हरिकथा हरि कीर्तन हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हमारा गुरु वैष्णव का गुलामी है हमारा कथा हरि कीर्तन जो है ये हमारा गुरुवर्ग जो है हमारा गुरुवर्गो का गुलामी हम गुलाम है एक नंबर गुलाम उसका गुलामी करने के लिए ऊंचा आसन में आप लोग बैठाए हो अभिमान प्रकाश करने के लिए नहीं बैस आसन है। जब अभाव रहेगा हृदय में ये अभाव लेके तिरोभाव आविर्भाव अभाव, अभाव हृदय में तरह तरह का अभाव महसूस होता है इसमें गुरु वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव तिथि पालन करके करने के लिए जाओगे तो देन यू विल बी छिट गुरु वैष्णव चिट नहीं करेंगे यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरु वैष्णव दिल खोल के बैठे हैं हमारा पास आजा बेटा कहां जा रहा है इधर नंद बाबू ऐसा गुरु जी बोलते थे ऐसा बुला रहे कहां जा रहे हैं इधर आजा और भद्र जी बोलते नहीं हमको जड़ जगत का रनक चाहिए गुरु वैष्णव बोलते हैं उसको हाथ छुराकर जाते विषय में विषय में।, में चले जाते जबकि गुरु वैष्णव चाहते हैं कि हमारा पास आ जा अमृत पी ले रघुनाथ दास गोस्वाई वो राधा रानी का निजीजन है रोति मंजरी ओ भी वैराग्य युग भक्ति रसम अपनाष् मधम ये सब श्लोकों का विचार के दिमाग खराब हो जाए अरे महाराज वो अपना आदमी है राधा रानी का वो हमारा हमको शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं कि वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्न रपा यत्म अनुभिक्ष मंधम आई एम ब्लाइंड आई एम अनविलिंग हमको इच्छा नहीं है अपरागित जगत का कोई अमृत नहीं चाहिए हमको अमृत ऐसा बोल रहे हैं हम अंधा है देख नहीं सकता उसी समय सनातन बोल के एक भगवान का निजी जन आके हमको जोर जबरस्ती हमको उठा के लाया कचरा से अब बोले बेटा थोड़ा तो पीके द भैया थोड़ा पीके तो देख थोड़ा तो देख थोड़ा चक ले मुंह कहा करके मेरे को अमृत का टेस्ट दे दिया जब टेस्ट दे दिया हम बोले कमाल का टेस्ट है हमने तो पहले सोचा नहीं ओडिशा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक, डिस्ट्रिक एक जगह होता है उदाला बोल के नाम सुने हो पर्वत गोस्ट का मठ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पोपाद भी पुचार में गए थे बड़ा अंग्रेज लोग भी उधर जाते थे फॉरेस्ट है पूरा हाथी सिंगोबाग पहले रहते थे आप वहाँ अभी जो आचार्य जो है उसका नाम सागर महाराज जी है आप जानने को नहीं जो जा, हमको जानकारी नहीं है जो घटना हम बोलना चाहे बड़ा एक्सीलेंट और टेस्ट का बारे में एक साहेब ने विदेश से आया था वो जंगल से एक बच्चा शेर को उठा लाए उठा लाए उठा के उसको दूध फूत पिला के पालन पोषण किया बहुत देर था ऐसा हुआ कि घर में खुला रहता है वो कुत्ता जैसे रहते हैं गोरे पालतू कुर्ता ऐसे खुला रहता है अब अचानक एक दिन एक हुआ उन्होंने तब के जमाने में तो लंटन होते थे करंट बिजली बिजली कुछ नहीं है वो बैठ के क्या करे अपना टेबल में बैठ के अपना जो पेंसिल है ग्राफाइट पेंसिल उसको छूल रहे अंधेरा में देखा नहीं हाथ को कट डालाट इज हैंड फिंगर और उनमें से थोड़ा खून क्या हुआ दो चार टपक नीचे गिरा अब वो शेर तो घूम रहा था उसको क्या दोष है इधर उधर घूम रहा था उसका काम ही है और पशु का काम है गंधों से स्मेल से सब ले लेता है सारे जानकारी जो जितना सारे स्कॉटलैंड यर्ड का जो इंग्लैंड का जो कुत्ता है एक कुत्ता का कितना हजार पाउंड उसका तंखा है डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का एक कुत्ता जो कमाते हैं आप सारे जिंदगी में कमा नहीं सकोगे बुरा मत मान लो हमारा आपको अपमान करने के लिए नहीं होता एक कुत्ता कमाता है ऐसा माफी कमाई संभव नहीं स्कॉटलैंड यर्ड का एक एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का कुत्ता ऐसा हमारा देखो ये कुत्ता का भी क्या सौभाग्य है हैं ये बोलने आप आप टाइम नहीं है बाद में बताएंगे ये सब बातें अब वो जो है अभी उसका क्या दोष है वो देखा लाल बरन क्या है उसका स्मेल से पता चलता है टेस्ट आया है, है तो खून में तो वही है और क्या है खून तो वही है अभी वेजिटेरियन बना दिया जोर जबरस्ती उन्होंने जाकर किया जीप दे के जवान दे के चाटा चाट के देखा अरे इतना एक्सीलेंट टेस्ट है हमने जिंदगी में देखा नहीं उसका परंपरा में तो खाने का चांस बस अपना मास्टर को एकदम खा लिया पूरा मास्टर को ही आक्रमण के खा लिया समझा ये हम तो रिवर्स एग्जाम्पल दिया जस्ट इसका रिवर्स चिंता करो अर्थात रेक्टिफाइड फॉर्म अर्थात अपरागिक जगत में जो टेस्ट है ये आपको हम जोर जबस्ती देने जा आप तो यू कैन फील मी आई डोंट लाइक लेकिन अगर आपका जवान पे टेस्ट चढ़ जाए तो यू कैन फॉलो मी फाइन इज महाराज है ना यही तो काम है हमारे गुरुवर को क्या किया टेस्ट को चका दिया जा बच्चा अब तू टेस्ट को ले ले आ दुनिया को दे यही तो काम है गौरिया मठ सबसे ऊंचा है गौरिया मठ का बारे में व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गौरिया मठ इसका बारे में बोलते चले तो कितना महीना तक चर्चा चलेगा पर एंजीस्ट हम बोलना चाहे तो पोपाजी ने बताए टू अरेस्ट कारन टाइज इज अमिंगली अनप्लेजन ड्यूटी ऑफ गौरिया मत इसको एक्सप्लेन करे तो बड़ा भारी एक किताब निकल जाएगा अब ये महापुरुष के बारे में चर्चा करें तो हमारा हिम्मत ही कहां है हम अगर बोले महाराज हमको बहुत प्यार करते थे ये तो सच्चा बात है महाराज हमको प्यार करते थे चिट्ठी देते थे ये तो अपना एडवर्टाइजमेंट हो गया तुमने बोलना महाराज हमको चीची देते थे प्यार करते थे अपना एडवर्टाइजमेंट हो गया लेकिन तुम कितना प्यार करते थे महाराज को दैट इज वी आर इंटरेस्टेड टू नो महाराज आपको प्यार करते थे महाराज तो प्यार करेगा लेकिन आप कितना प्यार करते आपका कितना सेंसियरिटी था कितना डेडिकेशन था, था कितना आपका सेवा था महाराज जी के चरण में बचपन में आए थे मेरा गुरु जी है शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वा गुरु महाराज और शिला बन गोस्वामी महाराज ये सब उनको घर से लाया जमींदार का घर का ये सब हम कहानी नहीं बताएंगे क्योंकि कभी भी कोई गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम इसका बारे में चर्चा करने जाओ तो इसमें परम पूजा केशव गोस्वामी महाराज बोलते थे एक ठो एक विषय है इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आता है ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट मॉर्पोलॉजिकल एस्पेक्ट जो विषय का बारे में कहाँ जन्म हुआ है क्या किया है सब हुआ हिस्टोरिकल लेकिन तात्विक विषय चर्चा करना यही सबसे बड़ा महाराज जी का आचार आदर्श क्या है जैसे ही दो देट आई कैन फील इंस्पिरेशन परम पूजा के शव को सिम बोलते थे कभी भी कोई गुरु वैष्णव का बारे में कुछ बारे में बोलना चाहो तो उसमें देखो दो विषय आता है एस्पेक्ट मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें जिस विषय में तात्विक विषय आता है उसका ही चर्चा करना पहुंचा हुआ महात्मा का दिल में विचार आता है महाराज जी का ऐसा कथा बोल दो जिससे महाराज जी के चरण में सब सब कोई का सर झुक जाए नरहरी सरकार ठाकुर नरहरी प्रभु नरहरी सरकार ठाकुर तो है जिन्होंने भक्ति रत्ना का लिखा है हम जो नरहरी प्रभु का बारे में बताएं जिसका बारे में बोलना बोलने बोलने के लिए गया तो केशव गुस्साई महाराज बच्चा का माफी रोना शुरू कर दिया उसको रहा नहीं गया एक शब्द तो बताए नरहरी प्रभु का बारे में अब बोल नहीं पाया टूट गया दिल ऐसा कितना प्रेम है नरहरी प्रभु को बोला जाता था, था गौरिया मठ का माधर तमाम गौड़िया मठ का माँ इसका बारे में एक बोलना शुरू करते पागल हो जाओगे वैष्णव का गुनावली तो है ही है अपराकित और केशव गुस्से महाराज जो अपना गेट का नरोहरी तोरण रख दिया इसका पीछे के दो कारण है बड़ा तात्विक विषय है एक है नरोहरी प्रभु अपना शिक्षा गुरु मानते थे अपना प्राण प्रिय वैष्णव जैसे नरोत्तम ठाकुर कीर्तन करते करते बोलते थे न पाशा ने कुटिव माथा अनल गौरांग गौरा निधि कोथा कोथागे ले पावो ये कोई जोकिंग नहीं है नौत्तम ठाकुर जब एक कीर्तन लिखे थे बोलते थे तो ऐसा करते माथा ठोकते थे खून निकालता था लेकिन बद्ध जीव जो एक यही कीर्तन करते हैं उसमें ना तो कोई भाव है ना तो कोई रिस्पॉन्स है कुछ नहीं है है तो यही कीर्तन लेकिन नरोतम ठाकुर जब लिखे थे तब ये गौरांग गुने निधि कोथा गेले पाबो ये सब कोई कहानी नहीं किस्सा कहानी नहीं है इतना डायरेक्ट फीलिंग है जो दिल उमर पड़ेगा रोना शुरू हो जाएगा नरोत्तम ठाकुर कैसे एक एक फीलिंग्स को कितन में लिख दिया कैसे बोला पशु पाकी झुरे, सुनी जार सुनीजार हाँ का था यह है चैतन्य महाप्रभु आज चैतन्य महाप्रभु बारे में हम चर्चा करते रहे तो इट विल हमको कितना समय दे पांच घंटा घंटा? हम तो बोलते चलेंगे जो श्लोक देके शुरू किया था उसका भी चर्चा होना चाहिए नहीं तो बोलेगा महाराज श्लोक देके शुरू किया अब बिना चर्चा चले गए धोखा देखे ये महापुरुष का बारे में हम क्या बोले सिर्फ पहुपात का बड़ा प्यारा था छोटे से उम्र में आए थे दस बारह साल का उम्र में जमींदार फैमिली का और आने का साथ साथ पहुपात का इतना दृष्टि आकर्षित हुआ उन पर इसका विवेक वैराग्यो और इतना सेंसिटिविटी कृष्ण भजन करने जाए तो हम पहले बुरा मत मानना कोई भी इंटेलिजेंट है कुछ भी है पहले हम देखते हाउ मच सेंसिटिविटी ये सेंसिटिविटी जिसका कम है उसको भजन में तरक्की मिलना बहुत मुश्किल है गुरु वैष्णव का सेवा जय जन कृष्ण भजय से हाय चतुर ये चतुराई जो है इसका ही हम ठिकाना लगा रहे अभी जब कृष्ण भजन करे गुरु वैष्णव का सुपर इंटेलिजेंट नॉट इंटेलिजेंट आप इधर देखने का साथ साथ समझ जाएगा गुरु जी क्या बोलना चाहता है क्या बिंदा देवी इशारा किया ऐसा करके देखा संग संग समझ गया है सब चुप हो जाए कखटी का पास ऐसा देखा कखटी इशारा में चिल्लाना शुरू कर दिया छी 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 करके राधा गोविंद जी का जगने का सेवा हो रहा है कैसा विचार है कि स्थिति में जाना पड़ेगा और कैसा स्थिति में हम अभी है बड़ा दुख की बात है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है अपरा की जगत बाजार का कथा सुने और झूमे नाचे चला दे और मलाई भी चल रहा है और कीर्तन भी चल रहा है हरी कथा भी टीवी में देख रहा है बड़ा भारी कंसियसनेस आपका अंदर में फैलेगा आ जाएगा यू कैन हियर सत्संग किसको बोलता है शास्त्रों में बोला है सत्संग उसको बोला जाता है सत्संग का जो विषय है सत्संग होने का बाद आप अगर अपराधी नहीं हो बहुत अपराध किया है तो सत्संग आपका बहुत बाद में क्रिया करे वो जो अपराध काटने का बाद प्रोपा जी ऐसा बोलते थे बड़ा बड़ा महापुरुषों का पास हरि कथा हरि कीर्तन सुनने का बाद भी यू कैन नॉट फील रिएक्शन बिग अपराध विथ यू आपका हृदय में अपराध अभी भी जो अपराध अच्छे नहीं तो सत्संग कभी शास्त्रों में विचार है सत्संग कभी बेकार नहीं जाएगा चैलेंज दिया हुआ है सत्संग कभी बेकार नहीं जाएगा अगर सत्संग बेकार गया या तो वही वो साधु ही नहीं जो आया था बेस बना के आया था या तो वो साधु है कि हम अपराधी है कुछ भी उल्टा कर दिया इसलिए सत्संग ऐसा होगा महाराज जी प्रभुपाद जी का इतना अपना आदमी थे बचपन छोटे महाराज जी खुद हमको बताए हम तो बच्चा थे सब सबसे जूनियर और प्रभुपाद जी एक दिन आदेश किए ये राधा रामन आज कथा बोलेगा हमारा पास ही इन्फॉर्मेशन प्रभुपाद जी का आदेश प्रभुपाद जी आदेश किया राधा रामन तुमको आज हरिकाथा बोलना हमको हरिकथा बोलने पड़ेगा हम तो बच्चा है क्या बोलेगा इतना बहुपात अस... का नियम था कोई भी कथा बोले जितना सारे मठ में आदमी सब बैठा यहाँ तक तो ये प्रभुपाद भी ऊपर में जो है बालकनी उसमें बैठते थे क्योंकि घबरा जाएगा बच्चा अब वंदना करके हरी कथा बोला और बहुपात सुन रहा है महाराज को पता नहीं कथा सुनने के बाद पहुपात जी ने किसी हमारा गुरुवर्ग को बोला अरे राधा रमन इतना बच्चा है देखो कितना सिद्धांत का बात बोला बड़ा सुंदर बचाया कथा इसका शरणागति एकदम परफेक्ट पक्का साधु है ये किसी का और खिंचावट नहीं है तो उसका महाराज बोलते हैं हमको बाद में खबर मिला कि पोपा जी में बैठ के हमारा कथा सुनते हम तो हमारा हार्ट अटैक होने का हरी पोपाजी जी सुनते कथा हमारा तब हमको पता चलता तो हम गुंगा गुंगा बन जाते हमारा एक शब्द नहीं निकालता पौपर आशीर्वाद किए तुम बच्चा हो फिर भी तुमसे ही सेवा लेगा गुरु महाप्रभु बहुत सारे जगह प्रचार में भेजा रिंगुन में भी भेजा वो सब बड़ा नहीं है और महाराज जी का पास जब हमारा गुरु जी नाइन्टी एट ईयर्स हो गया बहुत एकदम ऐसा उम्र में पहुंच तो पल पल में उसको डिस्टर्बेंस करना उचित नहीं है उस समय में, में मेरा ऊपर मंदिर वालों ने आज्ञा किया गुरु जी भी आज्ञा किया पत्रिका का, का समालो हम तो कुछ जानते नहीं है ज्यादातर गुरु जी का अब अगर गुरु वैष्णव का कीपा से या पूर्व जन्म का भजन से सिद्धांतों के स्फूर्ति हुआ किसी हमसे सीनियर व्यक्ति हमसे बहुत सीनियर बहुत पहले आए मठ में उसका लेखनी आया वो लेखनी हमने देखा हमारा एडिटर बना दिया हम क्या करें पढ़ने का बाद हम देखा ये जो लाइन है इसमें जो शब्द है थोड़ा सिद्धांत तो विरोध लगता है हमारा गुरु जी वृंदावन के एक जाने माने व्यक्ति का लेखा हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य दूसरा है सिद्धांतों को स्थापित करना गोविंद कुंड में उसका भजन कुटीर है जो भी है छोड़ो उसका लेखा जब गुरु महाराज जी को दिखाया गया गुरु महाराज ये अंतिम समय में जब नाइनटी एट ऐसा कोई उम्र होगा हमको याद नहीं है तो दिखा के बताएगा गुरु जी देखो ये सिद्धांत तो ठीक है कि नहीं गुरु जी पढ़ के देखा ना तो सिद्धांत तो ठीक नहीं इसको छपा नहीं जाएगा सारे समाज चौंक गया महाराज जाने माने पंडित है हाउ इज दैट पॉसिबल दैट महाराज इग्नोर इट महाराज कैन नॉट अलाउ इट टू बी प्रिंटेड छापने के लिए नहीं दिया निरपेक्ष वैष्णव ऐसा ही होता है वो कोई घूस नहीं खाते शुद्ध वैष्णव का लक्षण है भक्ति में उठकर बताया जो शुद्ध जो है ना निरपेक्षता दीरोता और सरलता क्या तीन गुण बताए वैष्णव चिन्हने के लिए समझ लो तीन वाइटल क्वालिटी आंखें हैं तो समझ जाओगे आप उसका अंदर में सरलता होगा सरल वो छुपाते नहीं बच्चा का माफी कुछ मांगे नहीं है, नहीं है। नहीं बच्चा जैसे एक से संदूर हो जाए वो साधु भी ऐसा है छोटा मुझ कुछ अरे बारा महाराज ऐसा कर दिया आप वो बोलते नहीं वो एहसान मानते अरे हमारा लिए कर दिया गाड़ी भेजा ही भेजा हम तो नालायक है छोटे छोटे ऐसा बोलते सरलता और दीरोता कोई भी सिद्धांत तो, कोई भी आचरण इसमें उसका फिक्स्ड विचार है कभी भी ऐसा नहीं कि घुस महाराज हम पचास हजार रुपया दे देंगे आप इसको पास कर दो नहीं करेगा सिद्धांत तो, सिद्धांत तो है सिद्धांतों में हाथ लगाने का हिम्मत हमारा बाबा का भी नहीं सिद्धान्तों सिद्धान्तों है सिद्धांत सिद्धांत है अपराधी जगत से आए तो सरलता और निरपेक्षता एक पक्का साधु का तीन भाईचाल लोग। उसका छब्बीस है ही है उसमें भी मूल है किश्नोई को शरण कृष्णोई को शरण अगर किश्व चरण में पूर्ण शरणागति नहीं है तो आपको साधु नहीं माना जाएगा किस्व के ऊपर विश्वास होना चाहिए महाराज जी जैसे पोपा जी का सेवा किया एक-एक करके किताब निकाले तो बहुत सारे कहानी बन जाएगा जब पोपा जी का आदेश हुआ राधा रमन अभी बड़ा हो चुका है उसको एक बोले आर्टिकल लिखने वो आर्टिकल लिखा महाराज बच्चा तब बीस साल होगा बीस साल तो बच्चा ही है अठारह बीस साल तो उसमें आर्टिकल लिखा आर्टिकल में क्या हुआ जो एडिटर था गौड़ियों का वो बोले राधा रमन ने सिद्धांत तो चेंज कर दिया और क्या लिखा बोले जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास सुने हो जीप का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास लेकिन शिला महाराज जी तो ने तो लिख लिए जीवेर स्वरूप है गुरु नित्य दास गुरु का नित्य दास हाँ वो तो, तो चमक गया सारे समाज भले बहुपात का बात देखा गया देखो राधा रमन ने ये राधा रमन ने ये सिद्धांत तो चेंज करके ऐसा लिख दिया बहुपात ने गंभीर होकर बोला है तो बच्चा लेकिन सिद्धांत तो ठीक ही बोला ठीक बोला बोला हाँ गुरु का नित्य दास है यही तो पहला परिचय कृष्ण का नित्य दास तो बाद में पहले तो गुरु का नित्य दास और जो मेरा बारे में जो कहानी उसको बता दे हंसोगे महाराज जी बेहाला मेंटेन में रहते थे शरीर उतना असुस्थ तो नहीं हुआ कोई भी आते थे बैठा लेते थे हम फॉरेनर लोगों को गुरु जी आगे जाओ किसी वैष्णव ने बोला किसी सन्यासी आया फॉरेनर बोले यू कैन टेक मी दिया महाराज के पास कुछ क्वेश्चन आंसर है हम ले जाते थे सेवा है महाराज जी का दर्शन हो जाते बहुत प्यार से बैठा लेते थे और क्वेश्चन आंसर चलता था बहुत सारे महाराज का फोटो खींचते थे बहुत सारे और मेरा जो कहानी है वो सुनने से तजब बन जाओगे और सिद्धांतों के बारे में अगर हमारा सीनियर है उसका लेखनी में हम काटने जाए तो भंगामा मच जाएगा काल का लड़का है हमारा लेखनी में वो क्या जानता है तो बोलेगा अगर ठक्कर जी हमारा अंदर में सिद्धांत तो दिया भी है तो, तो मानेगा नहीं वो वो, वो क्यों हमारा लेखा को चेंज कर दिया तो हमारा अंदर में बड़ा डर होता था और क्या करे है तो सिद्धांत तो गलती और गुरु जी के पास जाए तो उसका साथ जो इंचार्ज है वो जान जाएगा बात फैल जाएगा तो ऐसा होना चाहिए कि, कि किसी को पता ना चले फिर भी एक तो एक्यूरेट सोल्यूशन निकालना चाहिए हम सीधा उल्लेखनी को लेकर शिला संतु सिंह महाराज जी के पास जाते थे महाराज जी के पास जाते थे महाराज एक समस्या लेके अरे तुम्हारा बार की समस्या बंगाली में तुम्हारा क्या समस्या है हमारा समस्या नहीं है फिर भी हमारा ही समस्या है सोचो कि हमारा एक ऐसा हुआ है कि ऐसा एक लिखा है दोनों तो हम बता हम बोले नहीं कौन लिखा है हम बोला महाराज ये ये बात एक आर्टिकल है इसमें दो एक सिद्धांत तो ऐसे बताया जाए तो उसका माने क्या होता है और ऐसे बताया जाए तो कैसा माने होता है हम दोनों को पढ़ के सुनाते थे अब पढ़ के सुनाने का बाद जो गलती है महाराज ए, ए, कौन लिखा है ये गलती है नहीं होना चाहिए महाराज ये लिखा को सिद्धांत तो ऐसा हुए हाँ ये ठीक है ये ठीक है हमने बोला नहीं हमने लिखा चुपचाप चले गए और महाराज जी को बातों का जमाने में तो डीबीडी फीबीडी नहीं हुआ करता था ऐसा रिकॉर्डिंग है तो महाराज जी क्या कोई अगर हमारे साथ फाइट करने आए तो बोला देखो महाराज जी के पास जाओ ऐसा रिकॉर्डिंग हमने कुछ नहीं किया महाराज आदेश किया चेंज कर दिया तो ऐसा हम बांसते थे मुसीबतों से क्योंकि जूनियर होने से बड़ा मुश्किल है कोई सीनियर का ठेस पहुंचे तो हमारा भी अपराध होगा अपमान नहीं करना है फिर भी समस्या को सोल्यूशन होना चाहिए अब जो श्लोक देकर शुरू किया है आप लोगों को भूख लगा होगा जल्दी हम खत्म कर दे <laughs> जल्दी खत्म कर दे जो श्लोक देके हमने शुरू किया था वो क्या श्लोक था क्या श्लोक देके शुरू किया था कौन बोल सके हाँ, ना वो तत्व का बारे में आई एम गोइंग टू स्पीक तत्व तत्व महाराज जी का no, no, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का एपसिलूट का बारे में ये है वो तो हम तो आप आप आने का पहले शायद व्याख्या कर चुका, तो चुका है सोनातन तो गोस्वामी का बात ये है कि एब्सोल्यूट जो है उसका बारे में जीव गोस्त जी सुंदर डेफिनेशन दिया हमको ज्यादा बोलने का दरकार नहीं जीव संदर्भ में लिखा अधज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेनो इति अधजम अध्यूट जो जो विषय है उसका बारे में जीव को पर व्याख्या किया जो जिसका बारे में आप जानने चाहो तो आपका जितना थारे पावर है विद्या है जो कुछ भी है सबको नीचे में धक्का देकर गिरा के जो अपना पोजीशन में जिसको ओचु तो बोलते हैं वी इज नेवर डिस्प्लेस फ्रॉम इज ओन पोजिशन उसको तो बोला जाता है जो तत्व अपना पोजीशन में अपना जो धाम में एकदम स्थिर अवस्था में विराजमान है और जो जड़ जगत का विचार के द्वारा जिसको जानने जाओ तो उसको धक्का लगाकर वो विचार को नीचे में फेंक देकर जो अपना स्वराट महिमा में विचारण करते हैं जिसका बारे में भागवत जी का पहला श्लोक जो है प्रथम स्कंद का यन्मा दसु यतो अन्याद इतरा स्वार्थ सभी गोराठ तेने ब्रह्मिदाज आदि कवये मह्यंत यथ सूरय तेजो बारी यथा विनिमय तिर्ग हम सदा निरस्त कुहक सत्यम परम धीमही इसका बारे में व्याख्या चाहिए बहुत अब समय कम है इसको ही बोला जाता है एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसका बारे में दुनिया का कोई भी विचार कोई भी पावर पहुंच नहीं सकेगा आपको एक मात्र है आपका दिल में जितना अभिमान है उसको को एकदम कचरा का माप एक फेंक कर गुरु वैष्णव का चरण में शरण हो जाए रियलाइज सोल जो तो आपको परम सत्व वस्तु आपका सामने अपना स्वरूप को प्रकाशित करेगे जैसे ब्रह्मा को किया जबान हम यथा भावो यद्रूप गुणों कर्म कहा तथय तो विज्ञानम ओस्तुत मदनुग्रहा ब्रह्मा जी को बताया भगवान हमारा कीपा के द्वारा हम कैसे हैं हमारा स्वरूप कैसा है हमारा लीला कैसा है हमारा धाम कैसा है सारे तुम्हारा अंदर में स्पूर्ति जाए हमारा आशीर्वाद रहा चलो ब्रह्मा जी को कृपा हैं वही ब्रह्म संगीता के रूप में हमारा सामने पेश किया ब्रह्म संगीता क्या है ब्रह्मा जी का डायरेक्ट फीलिंग जो देखे हैं अपराकृत आंखों के द्वारा अनुभव किए अर्जुन भी भगवान बोले अर्जुन को तुम अपना ही आंखों के द्वारा ये देख नहीं सको जब भी अर्जुन तो साधारण देखते हो तो हम उसको तो सिखा देने के लिए भगवान बोले दादा दिव्य दिव्य जो चक्षु है वो दिव्य चक्षु दे दिए उसके बाद उनका विश्व रूप का दर्शन किए अर्जुन ये तो तमाम विचार है जो भी है हां। years, हां। 71 months, हां। इसका बात हम बताए राइटिंग right वो तो अच्छा श्रोता है <laughs> बहुत सारी चीज एक एरिया बहुत बड़ा हो जाए ना तो उसमें समय कम के कारण हमको इधर उधर जाना पड़ता है तो इकहत्तर मन्नातर इकहत्तर जो चतुर्युग है वो जाने का बाद एक मन्नातर चेंज होता अर्थात एक मनु का जो जो है टपल हाँ, हो जाता है ऐसा करके चौदह मनु एक दो तीन चार करके चौदह मनु जब चेंज हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करने ला कंप्यूटर में तो उसका बात क्या होता है ब्रह्मा का बारह घंटा होता है यू थिंक अबाउट इट ब्रह्मा का ट्वेल्व आवर्स ऐसा मापिक ब्रह्म निशा ब्राह्मण निशा वो भी बारह घंटा ये जो बारह घंटा है अर्थात चौदह मनु का जो मनांतर है एक एक करके होते जा रहा है इसमें सेवेंथ मन्नातर जब आता है इस सेवेंथ मन्नंतर का सताइस तम चतुर्युग ट्वेंटी सेवेंथ जो चतुर्युग का जो साइकिल आ रहा है ये जाने का बाद अट्ठाइसतम चतुर्युग में उसमें जो दापर युग आता है उसमें कृष्ण भगवान आते हैं कृष्ण भगवान हर कली हर दापर युग में नहीं आते किसी को पता नहीं जुगावतार मन मन्तर अवतार सक्तावेश अवतार, अवतार लीला अवतार अवतार एक किस्म का नहीं बहुत किस्म का है एक एक करके दूसरा चर्चा में चले जाए ठीक नहीं है तो इसमें क्या होता है ब्रह्मा का पूरा बारह घंटा में जिसका हिसाब लगाना आपका लिए मुश्किल हो जाएगा ये सब कर लो तो उसमें क्या होता है हमारा भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात परात्पर अखिलेश तो स्वयं रूप भगवान एक बार आते हैं ब्रह्मा का एक दिन में चौदह मन का अंदर सेवेंथ मतर में जो सताइस तम चतुर्जी जाकर अठाईस तम ट्वेंटी एट चतुर्ग इसका अंदर जो साइकिल जो चलता है सत्योते दापर कोली ये दापर में भगवान श्री कृष्ण आते हैं जस्ट आफ्टर दैट यू कैन एक्सपेक्ट चैतन्य महापुर टू का नॉट एक्सपेक्ट कमिंग कृष्ण भगवान जिस लीला करके गए तो तमाम दुनिया को संदेह आ गया ये क्या कर दिया ये पर दूसरे का रमनी लेकर नित्य कीर्तन किया है तो ठीक नहीं है इसका जवाब भागवत का पूरा चर्चा पंजाब में इधर उधर होते रहते हैं स्थिर सिर्फ ये विषय के ऊपर चर्चा करोगे तो उसमें जो विचार आएगा आपका दिमाग घूम जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण का अंदर आपका माफी को सब घटिया चीज नहीं है काम क्रोध ऐसा नहीं हो सकता संतों का हृदय में नहीं रहता है एक उदाहरण दे दे उसमें सफा हो जाएगा जब भगवान श्री कृष्ण दारिका में रहते हुए बानासुर का साथ लड़ाई हुआ बानासुर का माता जी उसका नाम था कोटोरा वो सोचे कि हमारा पुत्र का डेथ हो जाएगा जैसा लड़ाई चल रहा है तो नंगा होकर नंगी होकर कृष्ण का सामने आए कि कृष्ण युद्ध बंद कर दे तो आने का साथ साथ कृष्ण मुख घुमा लिया हाउ यू कैन एक्सपेक्ट भगवान श्री कृष्णो ये सब रमणियों का रूप देखने के लिए सब तो अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ जो सब कृष्णों से ही आए ये नहीं है इसका अंतर में जो तत्व है ये बताने का टाइम अभी नहीं है सब है तत्व सब है भागवत कथा में सारे एक महीना देर महीना चलते उसका अंदर में सब विश्लेषण हो सकता है अभी नहीं बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब लीला करके गए तमाम दुनिया का अंदर में डाउट हुआ यहाँ तक कि परीक्षित महाराज जिसका बारे में भागवत में चार पांच जाएगा डेली बार, बार बार बोला गया ये शो वो भी इच्छा करके हमारे सामने हमारा डाउट्स को हटाने के लिए क्वेश्चन रख दिया सुंदर क्वेश्चन रख दिया किसको परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को रख दिए ये जो लीला किए हैं अब तो काम जोधपति ही कुतवान वही युग सितम अब तो काम जोधपति जो आत्मा में रमन करता आत्मनी रमते आत्मा राम भगवान का बाहर का कोई वस्तु दरकार नहीं अनंत इन्फिनिटी ब्रह्मांड भगवान का अंदर है वो क्या दरकार पड़ा बाहर में कुछ चीज भोगने का लिए जब भी भगवान का जो छुए है हैं, उसमें व्याख्या कभी हो पाएगा उसमें भी, उसमें भी आएगा ये सब चर्चा तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कोई दुनियादारी का चीज भोगने के लिए नहीं आए वो हमको उद्धार करने के लिए आए इस समय में जो जो लीला किए बद्ध जीवो का समझ का बहार दैट्स वाई चैतन्यक्षरता में तो विचार है कृष्णो अंतोध्यान करी करिला विचार कृष्णो बंगला में लिखा हुआ है संस्कृत बंगला ये सब मिलाकर लिखा हुआ चैतन्यक्ष तो करके विचार कर रहे हैं जो मैं जो लीला करके आए हैं तो आम आदमी तो समझेगा नहीं इसका लिए भगवान क्या किया कृष्णो बोले हम ही आएंगे कलिकाल में तो हम हमारा कालर बदल के आएंगे भाव अब कलर बदल के आएंगे तो यही कृष्ण भगवान आए हैं कृष्ण वस्तु स्वयं हैं लेकिन अपना गोल्डन कंप्लेक्शन कलर और राधा रानी का भाव राधा भाव सुबलित नौमी कृष्ण स्वरूप वो कृष्ण ही है सब गोस्वामी लोगों ने विचार किया जो भी इस बारे में चर्चा थोड़ा बहुत हम टाच किया कभी भी सुजग मिले जरूर करेंगे याद करा देना राजा जी का तो बड़ा भारी इच्छा होता है लेकिन हमारा टाइम नहीं होता है आ हरिद्वार से जोर जबरदस्ती आए ए तीस किलोमीटर दूर हरिकथा हुआ इधर हुआ अभी शाम को ट्रेन पकड़ेंगे फिर हरिद्वार में जाए हरिकथा एक वेला बार दो घंटा के लिए होगा फिर रात को ट्रेन चढ़ेंगे नवद्दीप काम है फिर आएंगे एक देर महीने का अंदर वाधा करके जा रहे है इधर नहीं जो जगह जरूरत है आप बाधा करके किया इधर नहीं दूसरा जगह भी नवन इधर उधर काम रहता है जो भी है पहला श्लोक जो है उस लोका थोड़ा बहुत टच करके हम खत्म करेंगे त्वं तो भक्ति योग परिभावितो हित सरोज अब सूर करके नहीं बोल रहे जेकी वाट समझ में ना आए त्वं तो भक्ति योग परिभावितो हित सरोज आससे शुतक्षित पथनोनु नाथ पुंसम यद यद थीयात उरगाय विभावयति ततद बपु पणेसि सदनु गृहायो सदनु गृहायो सत सद साधु कीपा करने के लिए क्या करते हैं भगवान को बताते हैं भागवत का विचार है त्वंग भक्ति योग को में हित सरोज जो आस से जो भक्ति का भक्ति के द्वारा विभावित तो हो चुका है ज्ञानांजन छुरी यं तो भक्ति विलोचन है सदैव विलय कयंती यंग श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम इतना जिस ब्रह्म संविधा में डिटेल्स इतना जाए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आ भक्ति योग परिभावित हित सरो आससे भक्ति योग के द्वारा परिभावित हो परिभावित हो प्रकृष्ट रूप में भावित हो ऐसा जर जगत का स्पेकुलेशन भावना आया और भगवान कैसा ऐसा है ऐसा नहीं भक्ति के द्वारा स्वयं अपना स्वरूप को हृदय में आपको दिखाएंगे देख ऐसा है तभी आप भजन में आगे चलोगे और नाम करोगे परम पूजा सीधे महाराज का पास सारे फॉरेनर लोग क्वेश्चन लेके आते थे महाराज ये हमारा मठ में बार बार बोलता है सेवा करो सेवा करो और हमारा नाम करने का टाइम नहीं मिलता आप बोलते हो एक लाख नाम जरूर करना चाहिए चैतन्य महापू का आदेश है पोपात का भी आदेश है अब करे आप तो तो सेवा सेवा देते हो सेवा का तो फुर्सत नहीं मिलता क्या करे परम भाई सिद्धौर को मुस्कुरा से मुस्कुरा के उसको उत्तर देते थे बड़ा मजादार साधु पोपात बोलते थे ही इज द एक्सेलेंट प्रीचर ऑफ गौरिया मठ बार बार बोले पोपात सिद्धौर महाराज गौड़िया मठ का एक्सेलेंट प्रचारक है ऐसा प्रचारक होना मुश्किल है जिसका टेम्पर में जिसका सब सुंदर विचार है इतना एक एक करके विचार प्रस्तुत करते थे हैरान हो जाओगे कभी भी किसी का साथ ऊंचा शब्दों में बात नहीं करते थे शब्द बोला फिर मुस्कुरा के उत्तर देते थे सिदर को सिंह मुस्कुरा के बोले देखो बात तो ये है हमारा तो पोपा जी से ये शिक्षा मिला है ऐसा बोलने का ढंग है जो सेवा और भगवान का नाम दोनों में आप फर्क क्यों समझते हो जितना नाम करोगे आपका हृदय में सेवा करने का विचार आएगा जितना आप नाम करोगे उतना ही सेवा का सुजोग आएगा और जितना सेवा का सुजोग आएगा उतना ही नाम करने में रुचि होगा मैंने एक दूसरे का कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर आप सोचते हो कि हरिनाम कर रहे कम को सेवा नहीं हो रहा है जिसका विचार में भजन करते करते ऐसा भाव आ गया पूरा अनुभव में आया सेवा और नाम अलग नहीं है तब आप साधु है उसका बहुत सारे उदाहरण है अभी हम नहीं देंगे आ, बात यह है जो सुतक एक शब्दों को व्याख्या करके हम छोड़ेंगे सुतिक्षितपथ नोनुनाथ पुंसम नोनु माने निश्चित में पुंसम ये जगतवासी जो पुंसम माने, पूरे देहे वसती पुंसम देह जो विराजमान है जितना जीवात्मा सब आदमी बन के बैठे कोई माता जी का स्वरूप कोई पिताजी का स्वरूप तो आत्मा का तो ऐसा कोई है ये, ये तो उपाधि है लेकिन विचार एक है वो है सुतेक्षित पतुनाथपुंस जो देखे हम शुरू किया उसमें रिटर्न आया अपरागी जगत को देखने के लिए कान का सहारा लेना पड़ेगा उसी में आया ना श्रुतेक्षितो श्रुतो माने पहले सुतो श्रवण किया चलेगा उसके बाद सुतेक्षितो शोभन करने का बाद इक्षण किया देखने का बात बाद में होगा समझा मेरा बात सुतेक्षित पथो ये पथ ही ऐसा है भजन का मार्ग ऐसा है पहले कानों से सुनते रहो रसपान करते रहो करते रहो उसका बात क्या हुआ हृदय में वो सत्व प्रकाशित हो जाएगा सुतेक्षित पथ उन्होंने ना तो निश्चित परिमाने कान में सुनते रहो साधु संग करो वास्तव साधु संग करो साधु संघ का बहाने में असत्संग हो जाए इसका बारे में बहुत लंबा चौरा भाषण दिए हरि कथा हम ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए हमारा खुद ये मानी का पुष्पांजलि महाराज जी का लिए अर्पण किया महाराज जी का कर कमल में क्योंकि हरिकथा चरण कमल में नहीं दिया जाता सिद्धांत तो उल्टा होता वृंदावन में बड़े बड़े कथाकार कथा बोलने का बाद जो सिद्धांत तो बोल दिया बस हैरान हो गया आई एम फिट ऐसा सुंदर सब बोला बोले बा, बाद में बोला ये जो कथा भगवत कथा हुआ है कभी कभी सुनने को आया बाईचांस हम सामने पड़ गया हम बोले महाराज कथा का बात और विश्राम देने का टाइम में बोले ये जो हरि कथा चलते आए ये सब हरि कथा जो है हरिकीर्थन और सब देवी मैया का चरण में अर्पण करके मैं समाप्त करूँ हम तो हंसी उड़ाया बोले इतना बड़ा सिद्धांत तो के बाद बोला देवी मैया का चरण में कभी हरि कथा दे देना चाहिए क्योंकि हरिकथा और हरि हरिनाम हरि और सेम हरिकथा वास्तव हरि कथा हरिनाम हरि अभिन्न है उसको अगर देवी मैया का चरण में दो जिसका दासी का चरण में हाउ इज दैट पॉसिबल बांछा वैष्णव स्वाभ नमः राजा जी का स्वागत है हमको राजा जी को बोलते हैं मैया को ये देवी मैया है और राजा जी शंकर भगवान का कीपा मिला है इसको बड़ा सेवा के इच्छा साधु संतों का बांछा कलपुत्र